हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं जो मंदिर दिखा रहा हूँ वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्थित कलकत्ते वाली। फिर मंगवाओ बाटो बाटो डाला, ये गया भजन मुझे नहीं थे, वो तो छोटा सा मंदिर बनाया वहाँ पर। फिर ये धर्म निकला वहाँ पर, धर्म में वो निकले थे क्या मंदिर तोड़ने का, वो धूप वाले का टाइम था मंदिर तोड़ने का, वो क्या मछली तैयार था, वो पंडित लाए थे काशी से, उन्होंने हवन चालू था, हवन करेंगे वहाँ ये देवा को निकाल लेंगे आपको। तो पानी कहाँ से आया तो वो भी पता नहीं, पूरा धारण डूब गया, देवा डूब गया, उनको मशीन निकालने के लिए टाइम ही नहीं मिला, डूब गया। फिर वो उसके बाद में वो बाबा जी, वो बाबा जी का आगे संचार आता था, वही पुजारी थे पहले भगत बाबा जी कुबरे, तो उनके संचार के अंदर बताया गया, बोले यहाँ एक थोड़ा सा मंदिर बना, बोले वहाँ से जो मैं देती हूँ बोले 3 पत्थर वो गंगा में से वो निकाल के लाओ, यहीं रहेंगे बोले देवी माँ के मारे। तो इधर के साइड भी आप देख सकते हैं महाकाली माता,
की भी महाकाल की है। अगर मंदिर की पीछे का अगर हम दिखाए तो मंदिर की पीछे का कुछ खूबसूरत नजर आपको दिखता है। ये कलकत्ते वाले बाबा इसे पंडित जी ने बताया था जो ये कलकत्ते वाले बाबा। और इधर जाने के बाद फिर थोड़ी देर तक ये शेषनाग महाराज और ये महादेव का मंदिर देखिए। थोड़ा अंदर आती है फिर ये कुंभ बाबा कहा जाता है कि महाकाली जो पीने के आने आती थी और गांव वालों के साथ बात करती थी। तो ये कम्युनिटी थी हमारे महाकाली महाकाली कुंभ बाबा उनका भी फोटो उनकी रहने की जगह थी। यह महादेव राव कुंभरे जो मैंने बताया था राजीव चांग में महाकाली माता आती थी और यही लोगों के साथ संवाद करती थी। यह उनका स्टैचू तो अभी इधर हम जा रहे हैं माता का और एक मंदिर है तो वही देखने जा रहे हैं। फाइनली इधर का सब कुछ हो चुका है हमारा देखना तो अभी हम जा रहे हैं डैम की तरफ कहीं एंड डैम की तरफ जो वीडियो है वो हम आपको भी बताते हैं। चलिए तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डैम की तरफ वो रहा पूरा डैम का एरिया तो हम वहाँ पे जा रहे हैं डैम की तरफ एंड ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है ये ऐसी होके आपको दिख रहा हूँ कच्चा रास्ता ये है। तो चलिए अभी हम ऊपर अभी चलिए हम डायरेक्ट आपको ऊपर ही मिलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है महाकाली डैम एंड जो एक्चुअल महाकाली मंदिर है वो गाइज पानी में। तो जैसे कि नीचे वाले जो पंडित थे तो उन्होंने बताया था कि ये जो मंदिर कैसे डूबा क्या हुआ था इसके साथ ये थोड़ी कहानी है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज एक गांव था महाकाली नाम से एंड ज़्यादा बड़ा नहीं था सिर्फ 10-12 घर की बस्ती थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो किसान थे एंड यहाँ पे खेत था एक्चुअली जहाँ पे महाकाली माता है वहाँ पे खेत था। तो वो धान काटने आए थे एंड धान काटते काटते उनका जो वीड़ा रहता है तो वो लगा किसी पत्थर के ऊपर एंड उसमें से निकल लगा गाइस खून। तो लोगों को लगा कि ये क्या है तो लोगों ने उस टाइम पे गाइस आपको पता होगा तो एक अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते यार श्रद्धा थी कि किसी की भी आग में कोई भी भगवान आता था एंड वो बातें करता था लोगों से एंड उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो वैसे ही उन्होंने पूछा वो भगवान को कि ये क्या है ये क्यों इसमें से खून निकल लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये महाकाली माता है तो आप इनकी जो जगह है आप चेंज कीजिए और दूसरी मतलब दूसरे साइड पर रखिए।
तो गाइज लोगों ने फिर कलकत्ता से पंडित बुलाए, काशी से पंडित बुलाए, तो वहाँ पर फिर उन्होंने पूजा की। पूजा जैसी की तो उन्होंने ये माता को हाथ लगाया, जैसे हलाने की कोशिश की तो गाइज एक से डेढ़ घंटे बाद यहाँ पे पता नहीं कहाँ से पूरा का मतलब पूरा डैम बन गया बोलते। तो ये अभी यहाँ के लोकल पीपल का मानना है, एक्चुअल स्टोरी क्या है क्यों क्या पता नहीं, बट उनका मानना यही है कि जैसी माता को हाथ लगाया वैसे दो से तीन घंटे बाद यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये था उनका एरिया पूरा पानी से भर गया और ये पूरा डैम बन गया कुछ इस तरह से। ये तो अभी बनाए है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह अभी बनाए है महेश भाई कृष्णा खाते हुए। तो ये मेरे पीछे अभी जो ये अभी आपको दीवार दिख रही होंगी ये अभी अभी बनी है दीवार, नहीं तो पहले ये पूरा खुला ही था। तो अभी हम उसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आपको वो मंदिर दिखाते हैं। गाइस अभी तो वो मंदिर पूरा पानी में डूब के है, बट फिर भी हम आपको ऊपर से बताता हूँ वो मंदिर कैसा है, ऊपर से कैसे दिखता है। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट मंदिर के पास जाते हैं एंड वहाँ से फिर शूट करते हैं। तो गाइस एक्चुअली महाकाल जो मंदिर है वो रहा, तो गाइस यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि ये जो मंदिर है ये 20 साल में एक बार बाहर आता है। तो गाइस जब 2020 में थोड़ा सूखा पड़ गया था, ये जो डैम वगैरह ये थोड़ा ये हो गया था, थोड़ा सूख गया था, तब यहाँ का जो मंदिर है वो बाहर आया था गाइस। तो जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हो तो ये था वो मंदिर एंड आप इस पे देख सकते हो महाकाली माता। तो गाइस ये जो आप नीचे मूर्तियाँ दिख रहे हैं ये जो मूर्ति है ये वो मंदिर की मूर्ति है, मतलब उनका प्रतीक मान के यहाँ पे रखी है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे नहीं जा सकते तो इसीलिए यहाँ पे इनकी पूजा करते। यहाँ पे पूजा करने का मीनिंग ये है कि अगर आपने यहाँ पे पूजा की तो आपने एक्चुअल वाले माता की पूजा कर ली, तो इसलिए यहाँ पे ये तीन मूर्तियाँ रखी है, माता काली की, लक्ष्मी की और सरस्वती की। तो गाइस इसी के साथ महाकाली मंदिर वाला जो ब्लॉग है वो कर रहे हम एंड, उधर भी जा सकते थे हम डैम की तरफ, थोड़ा डैम बंद है तो इसलिए अभी हम उधर जा नहीं रहे एंड यहाँ पे अभी हम जितना हो सके मंदिर का अगर बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी और बस यहाँ पे अभी हम हमारा ब्लॉग कर रहे एंड। अगर गाइस ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। या थैंक यू महेश भाई।